देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं ने अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर ने अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन भरा। इससे पहले वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के नामांकन दाखिल करने के बाद दिग्विजय सिंह ने अपना नामांकन वापस ले लिया और मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रस्तावक बनने का फैसला किया। वहीं हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा भी मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बने। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अब सीधा मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच है। तो एक ही पार्टी के दो दिग्गज आमने सामने हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर। कांग्रेस पार्टी की ओर से अपना नामांकित पत्र पेश किया हूं और मुझे सभी लीडर्स, कार्यकर्ता, डेलीगेट्स और जितने भी प्रमुख राज्य है उस राज्य के नेता लोग भी यहाँ पर हाजिर होकर मेरे को प्रोत्साहित किए और नॉमिनेशन भरने के लिए वो खुद यहाँ पर रहे, इसीलिए मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। तो नीरज शर्मा विधायक कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले नीरज जी स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद। नीरज जी, कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर ये दावेदारी और दो दिग्गज, एक ही पार्टी के दो दिग्गज मैदान में, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे, कैसे देखते हैं? सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी इसको लेकर। देखिए साहब, हमारे सारे नेता सम्मानीय है जी और पार्टी के अंदर बड़े लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हो रहा है और हम किसी को भी वोट दें, वोट तो कांग्रेस को ही जानी है। और दूसरा, वैसे तो वोट बड़ी गुप्त होती है, बिल्कुल, पर क्योंकि खड़गे साहब चुनाव लड़ रहे हैं और मेरे पितृवत हैं, हमारे पिताजी ने इनके साथ काम किया है। जब खड़गे साहब श्रम मंत्री थे तो हमारे बाबूजी के साथ इनकी बड़ी अच्छी ट्यूनिंग थी। जो भी कमेटी बनती थी श्रम सुधारों को लेके, क्योंकि उनको पता था कि पंडित शिवचरण लाल शर्मा, मेरे पास पूरे देश के जितने श्रम मंत्री हैं उनमें से इकलौते ऐसे हैं जो श्रमिक श्रम मंत्री बना है, तो मजदूरों के सुधार के लिए ज्यादातर कमेटियों में वो बाबूजी को ही चेयरमैन बनाते थे और हमेशा हमारा पारिवारिक रिश्ता रहा है और ये बहुत अच्छी बात है पार्टी के अंदर। और राहुल जी अपनी बात पे कायम रहे, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से परिवार से कोई नहीं होगा और आउट ऑफ फैमिली कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होगा। अभी तो देखिए कोई और भी फार्म भर सकता है, 30 तारीख की डेट है, पर मेरी व्यक्तिगत वोट सपोर्ट मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ रखूंगा क्योंकि वो उसके अंदर मुझे अपने पिताजी की मूर्त नजर आती है, हमारे बाबूजी के साथ उन्होंने काम किया है। सर वो तो कहने वाली बात हो गई, वो आपने बताया पिताजी के साथ काम किया, बहुत अच्छी छवि है। स्टार्टिंग में जब मैंने आपसे प्रश्न किया तो आप ये कहते हुए नजर आए कि दोनों ही हमारे नेता सम्मानित नेता हैं। नो डाउट दोनों ही सम्मानित नेता हैं, लेकिन क्या थोड़ी बहुत आपके दिमाग में ये थिंकिंग या सोच है कि लगा हो कि मुझे मल्लिकार्जुन खड़गे ही क्यों, शशि थरूर को भी, क्योंकि दोनों ही नेता आपकी पार्टी के और दोनों ही सम्मानित नेता, दिग्गज नेता है? नहीं, थोड़ा सा मैंने बताया ना साहब, एक इमोशनल अटैचमेंट भी है। खड़गे साहब हमारे इतने सीनियर नेता हैं, बीच बीच में मैं मिलता जुलता भी रहता हूँ और हमारे बाबूजी के जाने के बाद उन्होंने बच्चों की तरह संभाला भी हमें, गाय बेगाय अपने घर पे बुलाते भी रहते हैं, पूछते भी रहते हैं। तो जब वो मेरे संग ऐसा व्यवहार करते हैं, बाकियों के संग भी करते होंगे, तो मैं खड़गे साहब के साथ ही रहूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज जी अपना कीमती समय जनता टीवी को देने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए। तो डॉक्टर अजय उपाध्याय राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब स्वागत है आपका जनता टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। उपाध्याय जी, जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर दो दावेदार मैदान में हैं, अब हालांकि नामांकन की आज आखिरी तिथि है लेकिन दोनों ही दावेदारों के नाम सामने आ चुके हैं और दोनों की टक्कर है, ऐसे में सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? देखिए, एक स्वस्थ लोकतांत्रिक पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाया जाना कांग्रेस पार्टी के हित में है, आंतरिक
लोकतंत्र के हित में है, और मुझे लगता है कि सबसे पुरानी पार्टी होने के कारण देश को भी इस बात को, देश के जनमानस में भी ये बात जाएगी कि जब इतनी पुरानी पार्टी इस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत पारदर्शी ढंग से चुनाव में जाकर के अपने अध्यक्ष को चुन रही है, तो बाकी पार्टियों के लिए भी एक मिसाल होगा। जहां तक बात अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया और चुनाव को लेकर है, जो भी उम्मीदवार हैं या अभी शाम तक जो भी और अब कोई उम्मीदवार आता है, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि एक निरपेक्षता के साथ ये चुनाव होगा, निरपेक्ष चुनाव होगा, और इसमें सभी की अपनी जो भागीदारी है स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सभी कैंडिडेट अपना अपना जो अपनी उम्मीदवारी है पेश करेंगे। हमारे पास जो पीसीसी के डेलीगेट्स हैं, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो निर्वाचित डेलीगेट हैं, वो वोटर होंगे, सभी राज्यों के डेलीगेट्स होंगे। जो निर्धारित समय है, यदि प्रक्रिया के तहत एक ही कैंडिडेट रहता है तो स्वाभाविक है कि चुनाव की प्रक्रिया नहीं होगी, लेकिन यदि एक से ज्यादा मैदान में कैंडिडेट रहेंगे तो जो समय सीमा है उस दिन चुनाव होगा प्रॉपर। हमारे सभी पीसीसी डेलीगेट वोट देंगे और उनको पूरी स्वतंत्रता होगी कि वो जिसको चाहें, जो चुनाव में वोट देने का अधिकार उनको पार्टी ने दिया है, वो अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट करें। बिल्कुल उपाध्याय जी, आपकी बात से हम पूरी सहमत है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी अहम हो जाता है कि एक उदाहरण के तौर पर जब दो खिलाड़ी मैदान में होते हैं तो एक को तो चित होना ही पड़ता है। ऐसे में आपकी पार्टी की दो दिग्गज मैदान में हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं आपकी पार्टी के नेता हैं, जब वोट करेंगे मत करेंगे तो उनके दिमाग में, उनके जहन में ये चीज तो क्रिएट होगी ना, एक इमेज तो बनेगी ना कि हमें इसे नहीं इसे वोट देना है, इन्हें नहीं इन्हें सहमति देनी है, फिर इनके लिए वोट करना है, ये तो क्रिएट होगी ना माइंड में। नहीं, तो अच्छा है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए, लोकतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र और मैच्योर लोकतंत्र में ये जरूरी है कि जो भी चुनाव लड़ते हैं वो कोई दुश्मन नहीं एक दूसरे के होते हैं, वैचारिक उनके अपने आधार होते हैं, या वो फिर अपने एजेंडे के तहत कि हम पार्टी के लिए और बेहतर क्या करेंगे, इनका अपना एक एजेंडा होगा, और इस पर हमारे जो डेलीगेट्स हैं, जो वोटर हैं, वो इस पर विचार मंथन करेंगे कि कांग्रेस पार्टी के अच्छे के लिए, बेहतरी के लिए इसमें से कौन ज्यादा उपयुक्त है। ये एक लोकतंत्र की प्रक्रिया के लिए भी जरूरी है। यूथ कांग्रेस में भी हमने वो चुनाव की प्रक्रिया अपनाई है, और आप देखेंगे जितने मैच्योर डेमोक्रेसी है विश्व की, चाहे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ ब्रिटेन की बात करें या अमेरिका की बात करें, वहां भी पार्टियों के अंदर चुनाव होता है, चुनाव के बाद सब एक है, और चुनाव के प्रक्रिया के तहत भी कोई दुश्मनी नहीं है, मनमुटाव नहीं है, हम अपनी अपनी बात रखेंगे और उसमें हमारे जो वोटर होंगे वो जिनको पसंद जो करेंगे उनको वोट करेंगे। इससे लोकतंत्र और गहराई से मजबूत होगा, और मैं पुनः कहूंगा कि सभी पार्टियों को पार्टियों के अंदर लोकतंत्र पहले लाना चाहिए, देश के अंदर तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, जनता टीवी को अपना कीमती समय देने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए।